निशाना आँख में होना चाहिए, बंदूक में नहीं। एक कंपटीशन खेलेंगे। रेडी 1 2 3। टायलर, 9 महीने पहले तुम मौत के दरवाजे पर थे, पर तुम जिंदा बच निकले। और अगर तुम जिंदा हो तो इसकी कोई ना कोई वजह जरूर होगी। एक बार फिर से हमें बड़े पर्दे पर देखने को मिल सकती है करण अर्जुन की जोड़ी। पठान और टाइगर 3 के बाद अब आएंगे पूरी फिल्म के लिए एक साथ। सलमान खान और शाहरुख खान का एक ऐसा कॉम्बो है कि जब जब ये दोनों मेगास्टार को एक साथ फैंस देखते हैं तो वो काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि सलमान और शाहरुख के फैंस को ये दोनों सुपरस्टार को एक साथ देखना पसंद हो, बल्कि जो नेचुरल ऑडियंस रहती है उनको भी सलमान शाहरुख को एक साथ देखना बेहद ही पसंद आता है। और यही वजह है कि लोगों ने सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 में पठान का कैमियो और पठान फिल्मों में टाइगर का कैमियो को इतना पसंद किया था। कैमियो में ये दोनों सुपरस्टार को देखकर हर कोई चाहता होगा कि काश ऐसा हो कि ये दोनों सुपरस्टार एक फिल्म एक साथ करे, वो भी पूरी फिल्म। तो बता दे कि आपका ये सपना जल्द ही पूरा होने वाला है और ये सपना पूरा करेगा यशराज फिल्म। दरअसल आखिरी बार में सलमान खान को एक साथ बड़ी फिल्मों में करण अर्जुन में देखा था। इसके बाद भी कई सारी फिल्में सलमान शाहरुख की आई, लेकिन उनमें वो दोनों की केमिस्ट्री देखने को नहीं मिली जो हमें करण अर्जुन में देखने को मिली थी। इसके बाद ये चीज हमें फील हो रही है पठान में जब सलमान की एंट्री होती है, टाइगर में जब पठान की एंट्री होती है। ये दोनों मौके ऐसे थे जहाँ पर हमें करण अर्जुन वाली फील आ रही थी। तो अब यही फील आपको एक पूरी फिल्म के लिए आने वाली है, वो भी पठान वर्सेस टाइगर फिल्म में। ये एक ऐसी फिल्म है जो एक बहुत बड़े स्केल पर शूट होने वाली है। ये एक बिग बजट फिल्म है जिनमें यशराज सलमान शाहरुख को एक साथ आमने सामने लाएगा। फिर आगे जाके ये दोनों सुपरस्टार एक साथ होकर मिशन खत्म करेंगे। फिर ये स्टोरी कैसी होगी उस पर हालांकि ज्यादा खुलासा नहीं हुआ, लेकिन इतना कंफर्म है कि ये फिल्म 2025 के ईद पर रिलीज हो सकती है, क्योंकि अभी तक ये फिल्म का शूट शुरू नहीं हुआ। प्री प्रोडक्शन वर्क शुरू हो चुका है, ये फिल्म का शूट भी जल्द ही शुरू किया जाएगा। जैसे ही टाइगर 3 फिल्म सिनेमा घरों में से उतर जाएगी तब यशराज फिल्म स्पाई यूनिवर्स पर कामकाज करना शुरू कर देगा। हालांकि इन दिनों तो शाहरुख खान अपनी आने वाली फिल्मों को लेकर काफी बिजी चल रहे हैं और सलमान खान भी अपनी नई फिल्मों की स्क्रिप्ट चूज करने में बिजी है। जैसे ही ये दोनों सुपरस्टार फ्री होते हैं तो उनका रुख टाइगर वर्सेस पठान पे आ जाएगा और एक बार फिर से हमें करण अर्जुन की जोड़ी बड़े पर्दे पर एक साथ पूरी फिल्म के लिए देखने को मिलेगी। फिलहाल दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप कितने एक्साइटेड है ये फिल्म को लेकर। ये न्यूज पसंद आई है तो उसे लाइक करें। आगे की हर नई अपडेट के लिए फिल्मी जासूस को जरूर सब्सक्राइब करें।